अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको कॉफ़ी बनाना बताऊंगी कैसे हम कॉफ़ी बनाते हैं। बाहर जाके आप इतनी इतनी महंगी कॉफ़ी खरीदते हैं, स्पेशल आप पीने के लिए बाहर जाते हैं, सर्दी में नहीं दिल करता, तो कैसे आप घर में आसानी से बना सकते हैं। कॉफ़ी बनाना बहुत ही नहायत ही आसान है। अब हम घर में आराम से बहुत ही मुनासिब पैसों में कॉफ़ी बनाएंगे। कॉफ़ी को कैसे बनाना है इसके लिए हमने कॉफ़ी के साशे ले लिए, या आप 2 टीस्पून ले लें। ये मैंने नेस्कैफे ली है। दो तरह की कॉफ़ियाँ मेरे पास हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई सी भी कॉफ़ी आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी लिया है, 2 टेबल स्पून मैं इस्तेमाल करूँगी, और मैंने शुगर का 2 टेबल स्पून लिया है। आप इसको 2 टीस्पून भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ये मैंने सिरप लिया है, कोकोनट सिरप चॉकलेट का, इसे हम ऊपर से गार्निश करेंगे। 2 मैंने बॉल लिए हैं जिसके अंदर मैं दूध को और कॉफ़ी को तैयार करूंगी। अब हमने कैसे तैयार करना है, सबसे पहले हमने 2 खाली बॉल ले लेने हैं। इसके अंदर मैंने कॉफ़ी डाल लेनी है। कॉफ़ी के 2 साशे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये हमारी 2 टीस्पून कॉफ़ी आ जाएगी। 2 साशे मैं 2 कप के लिए डाल रही हूँ। अगर आपने एक बनाना है तो आप 1 कप भी, 1 साशा भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 साशे पूरे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैंने चीनी डालनी है। चीनी मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून डालूंगी, क्योंकि मैंने कॉफ़ी ज़्यादा बनानी है इसलिए मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालूंगी। अब हम इसके अंदर जो पानी मैंने गर्म करके रखा था, वार्म वाटर, वो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल लेंगे। अब हम इसे कॉफ़ी को बीट करेंगे। आप बीट इसको हाथ से भी कर सकते हैं, चॉपर से, किसी भी हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, और ग्राइंडर से भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उस तरह करें, जो सहूलत आपके पास मयसर हो। मैं हैंड बीटर से इसको बीट करूंगी। थोड़ी देर आपको इसका शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा। कॉफी को हम बीट कर रहे हैं। बीट करने से हमारा पूरा पाउडर खराब हो गया है। मैं बीट करने के बाद कॉफी को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी कॉफ़ी तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फॉर्म तैयार हो गया और इतनी लाइट कलर में ये हमारी कॉफ़ी आ गई है। अब मैं दूध को नीम गरम करके, इतना गरम कि बस आप उसके अंदर उंगली डाल सकें, ज़्यादा गरम ना हो, उसको भी हम हल्का सा मैश कर लेंगे, यानी कि बीट कर लेंगे। मैंने नीम गरम दूध ले लिया है, इसको मैं एक बाउल में डालूंगी और एक इसको भी हम हल्का सा बीट करेंगे, ताकि हमारी कॉफ़ी के लिए दूध भी ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। दूध को मैंने एक बाउल में डाल दिया है, अब इसको इतना बीट करूंगी इसमें हल्के हल्के झाग आ जाए। दूध को मैंने हल्का हल्का फेंट लिया है, इतना फेंटना है कि हमारे झाग बहुत ज़्यादा ऊंचे ना हो। इसको हम हल्का सा चला लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा झाग फूल चुके हैं तो उन्हें हल्का हल्का चला लेंगे। अब मैंने झाग को हल्का सा ऊपर से दूध से उतार लिया है। हमने इसमें दूध को नहीं निकालना, झाग को ऊपर से उतारना है।
ये हम अपनी कॉफी के ऊपर डालेंगे ताकि कॉफी में जबरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। अब हमने छाँक को एक साइड पे कर देना है और दूध को दोबारा हमने चूल्हे पे रखना है। पैन में दूध को डाल लिया क्योंकि कॉफी के लिए दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका था। अब हम दूध को दोबारा गर्म कर लेंगे। इसमें हमने चीनी शामिल नहीं की है, ये मैं ऐसे ही गर्म कर, मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। जैसे ही दूध गर्म होता है हम इसे उतार के अपनी कॉफी को मुकम्मल करेंगे। दूध गर्म हो चुका है, अब मैं इसको बॉल में शिफ्ट कर दूंगी। दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका था, फिर हमारी कॉफी बिल्कुल ठंडी हो जाती, इसलिए मैंने दूध को दोबारा से गर्म कर दिया और चूल्हे को बंद कर दिया। अब हम सबसे पहले इसके अंदर अपनी कॉफी को डालेंगे। जितनी कॉफी का फ्लेवर आपको पसंद है उतनी कॉफी इसके अंदर शामिल कर लें। कॉफी को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसके अंदर दूध को शामिल करेंगे। दूध को मैंने कॉफी के अंदर शामिल कर दिया है। अब मैंने जो दूध का झाग उतारा था वो मैं इसके सेंटर में डालूंगी। सेंटर में हम इसका गोल दायरा बनाएंगे। कॉफी को डेकोरेट करना बहुत ही मजे का काम है। जब ये डेकोरेट होती है तो बहुत ही जबरदस्त लगती है। हम जब बाहर जाते हैं डेकोरेट देख के हमें बहुत ही मजा आता है कॉफी पीने का। अब मैं चॉकलेट सिरप ले लूंगी। अगर आपके पास कोई नोजल वाली बोतल है तो उससे डाल लें, अगर नहीं है तो किसी चीज से इसे नोजल बना के डाल दें। मैंने इस तरह इसके अंदर शामिल कर ली। अब मैं इसे कॉफी को इससे डिजाइन बनाऊंगी। आपने जैसे जैसे लाइन बनानी है आपने इसको किसी भी टिश्यू से साफ कर लेना है। मैं इसे टिश्यू से साफ कर रही हूं, ऐसे ही आप भी इसे टिश्यू से साफ कर लें। बहुत ही मजेदार सी कॉफी तैयार हो चुकी है, बहुत जबरदस्त। ये देखें कितना जबरदस्त इस पे डिजाइन बना है। अगर इतनी मजेदार कॉफी हो तो पीने का मजा आ जाए। मैं एक डिजाइन और बताऊंगी आपको हमने कैसे बनाना है। मैंने एक बर्तन और ले लिया कॉफी बनाने के लिए। अब इसमें सबसे पहले हम कॉफी को शामिल करेंगे। जितना आपको टेस्ट पसंद है कॉफी का उतना आप इसके अंदर शामिल करें, और जो लाइट पीते हैं वो इसको लाइट इस्तेमाल करें। अब मैं इसके अंदर दूध इस्तेमाल करूंगी। हमने एक साइड से दूध को डालना है। अब मैंने इसके ऊपर जो मैंने दूध का झाग बनाया था, अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट कॉफी में आपको क्रीम के बारे में भी बताऊंगी। मैंने झाग को इस तरह डाल लिया है। अब इसके बाद हम चॉकलेट सिरप को इसके ऊपर डालेंगे। इस पे आपको जो भी डिजाइन बनाना चाहें बना सकते हैं, बहुत मजे के ये डिजाइन बनते हैं और ये बनाना एक आर्ट है। बहुत शौक से हम इसे बनाते हैं, जिसको कॉफी पसंद है वो जरूर इसको शौक से बनाएगा। मजेदार सी कॉफी तैयार हो चुकी है। दोनों डिजाइन मैंने आपके सामने बनाए हैं। मजीद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिजाइन भी बना के दिखाऊंगी। इसे क्लोज से देख लें, बहुत ही जबरदस्त ये डिजाइन है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई, आप कॉफी बनाएं, इसको टेस्ट करें, फिर आपको खुद ही मजा आ जाएगा कि कितनी जबरदस्त कॉफी बनी है। आज के लिए इतना ही।
मेरी वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में।